अध्याय एक, रिच डैड पुअर डैड। रॉबर्ट कियोसाकी के अनुसार, मेरे दो डैडी थे, एक अमीर और दूसरे गरीब। एक बहुत पढ़े लिखे थे और समझदार थे, वे पीएचडी थे। उन्होंने अपने 4 साल के अंडर ग्रेजुएट कार्य को 2 साल से भी कम समय में कर लिया था। इसके बाद वे आगे पढ़ने के लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो तथा नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी गए, और यह सब उन्होंने पूरी तरह से स्कॉलरशिप के सहारे ही किया। और मेरे दूसरे डैडी 8वीं से आगे नहीं पढ़े थे। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। दोनों ने जिंदगी भर कड़ी मेहनत की थी। दोनों ने ही काफ़ी पैसा कमाया था, परंतु उनमें से एक पूरी जिंदगी पैसे के लिए परेशान होता रहा। दूसरा हवाई के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गया था। एक के मरने पर उसके परिवार, चर्च और ज़रूरतमंदों को करोड़ों डॉलर की दौलत मिली। दूसरा अपने पीछे कर्ज छोड़ कर गया। मेरे दोनों डैडी इरादों के पक्के, चमत्कारी और प्रभावशाली थे। दोनों ने मुझे सलाह दी, परंतु उनकी सलाह एक सी नहीं थी। दोनों की शिक्षा पर बहुत जोर देते थे, परंतु उनके सुझाए गए पढ़ाई के विषय अलग अलग थे। अगर मेरे पास केवल एक ही डैडी होते तो मैं या उनकी सलाह मान लेता या फिर उसे ठुकरा देता। चूंकि सलाह देने वाले दो थे, इसलिए मेरे पास दो विरोधाभासी विचार होते थे, एक अमीर आदमी का और दूसरा गरीब आदमी का। किसी भी एक विचार को सीधे सीधे मान लेने या न मानने के बजाय मैं उनकी सलाहों पर काफ़ी सोचा करता था, उनकी तुलना करता था और फिर खुद के लिए फैसला किया करता था। समस्या यह थी कि अमीर डैडी अभी अमीर नहीं थे और गरीब डैडी अभी गरीब नहीं थे। दोनों ही अपने करियर शुरू कर रहे थे और दोनों ही दौलत तथा परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे, परंतु पैसे के बारे में दोनों के विचार और नज़रिए एकदम अलग थे। उदाहरण के तौर पर एक डैडी कहते थे, पैसे का मोह ही सभी बुराइयों का जड़ है, जबकि दूसरे डैडी कहते थे, पैसे की कमी ही सभी बुराइयों का जड़ है। जब मैं छोटा था तो मुझे दोनों डैडियों की अलग अलग सलाहों से दिक्कत होती थी। एक अच्छा बच्चा होने के नाते मैं दोनों की बातें सुनता था। परेशानी यह थी कि दोनों एक सी बातें नहीं कहते थे। उनके विचारों में जमीन आसमान का फर्क था, खासकर पैसे के मामले में। मैं काफ़ी लंबे समय तक यह सोचा करता था कि उनमें से किसने क्या कहा, क्यों कहा, उसका परिणाम क्या होगा। मेरा बहुत सा समय सोच विचार में ही गुजर जाता था। मैं खुद से बार बार इस तरह के सवाल पूछा करता, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, और फिर दूसरे डैडी की कही बातों में भी इसी तरह के सवाल पूछा करता। काश मैं यह बोल सकता कि हाँ, वे बिल्कुल सही हैं, मैं उनकी बातों से पूरी तरह सहमत हूँ, या यह कहकर मैं सीधे उनकी बात ठुकरा सकता, बुढ़े को यह नहीं पता कि क्या कह रहा है। क्योंकि दोनों ही मुझे प्यारे थे, इसलिए मुझे खुद के सोचने पर मजबूर होना पड़ा। इस तरह सोचना मेरी आदत बन गई, जो आगे चल के मेरे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हुई। अगर मैं एक तरह की सोच ही सोच पाता तो यह मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं होता। धन दौलत का विषय स्कूल में नहीं बल्कि घर में पढ़ाया जाता है। शायद इसलिए अमीर लोग ज़्यादा अमीर हो जाते हैं, जबकि गरीब लोग ज़्यादा गरीब हो जाते हैं, और मध्य वर्ग कर्ज में डूबा रहता है। हमें से ज़्यादा लोग पैसे के बारे में अपने माता पिता से सीखते हैं। कोई गरीब बच्चा अपने बच्चे को पैसे के बारे में क्या सिखा सकता है? वह सिर्फ इतना कह सकता है, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। हो सकता है बच्चा अच्छे नंबरों से पढ़ाई कर ले, फिर पैसे के मामले में उसकी मानसिकता और उसके सोचने का ढंग एक गरीब आदमी के जैसा ही बना रहेगा। यह सब उसने तब सीखा था जब वह छोटा बच्चा था। धन का विषय स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। स्कूलों में शैक्षणिक और व्यवसायिक निपुणता पर जोर दिया जाता है, न कि धन संबंधी निपुणताओं पर। इससे यह साफ हो जाता है कि जिन स्मार्ट बैंकर्स, डॉक्टर्स और अकाउंटेंट्स के स्कूल के अच्छे नंबर आते हैं, वे जिंदगी भर पैसे के लिए संघर्ष क्यों करते हैं। हमारे देश पर जो भारी कर्जा लदा हुआ है, वह काफ़ी हद तक उन उच्च शिक्षित राजनेताओं व सरकारी अधिकारियों के कारण है जो आर्थिक नीतियां बनाते हैं, और मजे की बात यह है कि धन के बारे में वह बहुत कम जानते हैं। मैं अक्सर नई सदी में आने वाली समस्याओं के बारे में सोचता हूं। तब क्या होगा जब हमारे पास ऐसे लोगों करोड़ों होंगे जिनकी आर्थिक और चिकित्सीय मदद की जरूरत होगी। धन संबंधी मदद के लिए या तो वे अपने परिवारों या फिर सरकार पर निर्भर होंगे। क्या होगा जब मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी के पास का पैसा खत्म हो जाएगा? किस तरह कोई देश तरक्की कर पाएगा अगर पैसे की पढ़ाई की जिम्मेदारी माता पिता के ऊपर छोड़ दी जाएगी, जिनमें से ज़्यादातर गरीब हैं या गरीब होंगे? चूंकि मेरे पास दो प्रभावशाली डैडी थे, इसलिए मैंने दोनों से ही सीखा। दोनों की सलाह पर मुझे सोचना पड़ता था।
इस तरह से सोचते सोचते मैंने यह भी जान लिया कि किसी व्यक्ति की विचार उसकी ज़िंदगी पर कितना ज़बरदस्त प्रभाव डाल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, एक डैडी को कहने की आदत थी कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, जबकि दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वो जोर देकर कहते थे कि मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ। पहला वाक्य नकारात्मक है, दूसरा प्रश्नवाचक है। एक में बात खत्म हो जाती है, दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। मेरे जल्दी ही अमीर बनने वाले डैडी ने मुझे समझाया कि जब हम कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम यह सवाल पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ, तो हमारा दिमाग काम करने लगता है। उनका मतलब यह नहीं था कि आप जिस चीज़ पर दिल आ जाए उसे खरीद ही लें। वे लगभग दीवानगी की हर हद तक अपने दिमाग को कसरत करवाना चाहते थे, क्योंकि उनके ख्याल से दिमाग दुनिया का सबसे ताकतवर कंप्यूटर है। मेरा दिमाग हर रोज़ तेज होता है क्योंकि मैं इसकी कसरत करता रहता हूँ। यह जितना तेज होता जाता है, मैं इसकी मदद से उतना ही ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ। उनका मानना था कि मैं इसे नहीं खरीद सकता कहना दिमागी आलस की पहचान है। हालांकि दोनों ही डैडी अपने काम में कड़ी मेहनत करते थे, परंतु मैंने देखा कि पैसे के मामले में एक डैडी की आदत थी कि वे अपने दिमाग को सुला देते थे और दूसरे डैडी अपने दिमाग को लगातार कसरत करवाते रहते थे। इसका दीर्घकालीन परिणाम यह हुआ कि एक डैडी आर्थिक रूप से बहुत अमीर होते चले गए, जबकि दूसरे डैडी लगातार कमज़ोर होते चले गए। इससे यह इस तरह से समझें कि एक व्यक्ति हर रोज़ कसरत करने के लिए जिम जाता है, जबकि दूसरा व्यक्ति अपने सोफे पर बैठकर टीवी देखता रहता है। शरीर की सही कसरत से आप ज़्यादा तंदुरुस्त हो जाते हैं और दिमाग की सही कसरत से आप ज़्यादा अमीर हो सकते हैं। आलस्य स्वास्थ्य और धन दोनों का नुकसान करता है। मेरे दोनों डैडियों की विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर था। एक डैडी की सोच थी कि अमीरों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए ताकि बेचारे गरीबों को ज़्यादा फायदा मिल सके, जबकि दूसरे डैडी कहते थे टैक्स उन लोगों को सजा देता है जो उत्पादन करते हैं और उन लोगों को इनाम देता है जो उत्पादन नहीं करते। एक डैडी सिखाते थे मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाए, जबकि दूसरी डैडी की यह सीख थी मेहनत से पढ़ो ताकि तुम्हें किसी अच्छी कंपनी को खरीदने का मौका मिल जाए। एक डैडी कहते थे मैं इसलिए अमीर नहीं हूँ क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना पड़ता है। दूसरे डैडी कहते हैं मैं इसलिए अमीर मुझे बनना है क्योंकि मुझे बाल बच्चों को पालना है। एक डैडी डिनर की टेबल पर पैसे और बिजनेस के बारे में बात करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते थे, जबकि दूसरे डैडी भोजन करते समय पैसे की बातें करने से मना करते थे। एक का कहना था जहाँ पैसे का सवाल हो सुरक्षित कदम उठाओ, खतरा मत उठाओ। दूसरे का कहना था खतरों से सामना करना सीखो। एक का मानना था हमारा घर ही हमारा सबसे बड़ा निवेश और हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। दूसरे का मानना था मेरा घर मेरा दायित्व है और अगर आपका घर आपकी नज़र में आपका सबसे बड़ा निवेश है तो आप गलत हैं। दोनों ही डैडी अपने बिल समय पर चुकाते थे, परंतु उनमें से एक सबसे पहले अपने बिल चुकाते थे और दूसरा सबसे आखिर में। एक डैडी का मानना था कि कंपनी या सरकार को आपका ध्यान रखना चाहिए और आपकी ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। वे हमेशा तनख्वाह में बढ़ोतरी, रिटायरमेंट योजनाओं, मेडिकल लाभ, बीमारी की छुट्टी, छुट्टियों के दिन और बाकी सुविधाओं के बारे में चिंतित रहते थे। वे अपने दो चाचाओं से बहुत प्रभावित थे जो सेना में चले गए और 20 साल के सक्रिय जीवन के बाद उन्होंने अपने रिटायरमेंट और जीवन भर के आराम का इंतजार किया था। वे मेडिकल लाभ के विचारों को पसंद करते थे और सेना द्वारा अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को दी जाने वाली सुविधाओं की तारीफ भी करते थे। उन्हें विश्वविद्यालय का टेन्योर सिस्टम भी काफ़ी पसंद था। कई बार नौकरी से आजीवन मिल रही सुरक्षा और नौकरी के लाभ नौकरी से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। वे अक्सर कहते थे मैंने सरकार के लिए बहुत मेहनत से काम किया है और इसके बदले मुझे ये लाभ मिलने चाहिए। दूसरे डैडी पूरी तरह से आर्थिक स्वावलंबन में विश्वास करते थे। वे सुविधा भोगी मानसिकता के विरोधी थे। वे यह मानते थे कि इस तरह की मानसिकता लोगों को कमजोर और आर्थिक रूप से ज़रूरतमंद बनाती है। उनका यह दृढ़ विश्वास था कि आदमी को आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहिए। एक डैडी कुछ डॉलर बचाने के लिए परेशान रहे, दूसरे डैडी एक के बाद एक निवेश करते रहे। एक डैडी ने मुझे बताया कि अच्छी नौकरी तलाशने के लिए अच्छा सा बायोडाटा कैसे लिखा जाए। दूसरे ने मुझे यह सिखाया कि कैसे मजबूत व्यावसायिक और वित्तीय योजनाएं किसी के लिए लिखी जाए जिससे मैं नौकरियां दे सकूं। दो प्रभावशाली डैडियों के साथ रहने के कारण मुझे यह विश्लेषण करने का मौका मिला कि उनके विचारों का
उनके जीवन पर कितना प्रभाव हो रहा है। मैंने पाया कि अक्सर लोग दरअसल अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी यह भविष्यवाणी बिल्कुल सही साबित हुई। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह से बातें करते थे कि मैं अमीर हूँ और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियापन की एक कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते रहे। वे अपने समर्थन में यह कहते थे कि गरीब होने पर पैसा ना होने पर फर्क होता है, पैसा पास में ना होना अस्थाई होता है, जबकि गरीब स्थाई है। मेरे गरीब डैडी यह भी कहते थे कि मेरी पैसे में कोई रुचि नहीं है या पैसा महत्वपूर्ण नहीं है। मेरे अमीर डैडी हमेशा कहते थे पैसे में बहुत ताकत है। हो सकता है हमारे विचारों की ताकत को कभी भी नापा ना जा सके या उन्हें पूरी तरह से समझा ना जा सके, फिर भी बचपन में ही मैं यह समझ गया था कि हमें अपने विचारों पर ध्यान देना चाहिए और अपनी अभिव्यक्ति पर भी। मैंने देखा कि मेरे गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वे कम कमाते थे, बल्कि वे इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों की तरह थे। दो डैडी होने के कारण बचपन से ही मैं इस बारे में बहुत सावधान हो चला था कि मैं किस तरह की विचारधारा अपनाऊं, मैं किसकी बात मानूं, अपने अमीर डैडी की या अपने गरीब डैडी की। हालांकि दोनों ही शिक्षा और ज्ञान को बहुत महत्वपूर्ण मानते थे, परंतु क्या सीखा जाए इसके बारे में दोनों की राय अलग अलग थी। एक चाहते थे कि मैं पढ़ाई में कड़ी मेहनत करूं, डिग्री लूं और पैसे कमाने के बाद अच्छी सी नौकरी ढूंढ लूं। वे चाहते थे कि मैं एक पेशेवर अधिकारी, वकील या अकाउंटेंट बन जाऊं या MBA कर लूं। दूसरे डैडी मुझे प्रोत्साहित करते रहते थे कि मैं अमीर बनने का रहस्य सीख लूं, यह समझ लूं कि पैसा किस तरह काम करता है और यह जान लूं कि इससे अपने सपने के लिए कैसे काम किया जाता है। मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, यह शब्दों को बार बार दोहराया करते थे, पैसा मेरे लिए काम करता है। 9 वर्ष की उम्र में मैंने यह फैसला किया कि पैसे के बारे में मैं अपने अमीर डैडी की बात सुनूंगा और उनसे सीखूंगा। और यह फैसला करने का मतलब था कि अपने गरीब डैडी की बातों पर ध्यान ना देना, कि हालांकि उनके पास कॉलेज की बहुत सारी डिग्रियां थी जो मेरे अमीर डैडी के पास नहीं थी। रॉबर्ट फ्रॉस्क मेरे पसंदीदा कवि हैं। हालांकि मुझे उनकी बहुत सी कविताएं पसंद है, परंतु हर रोड नॉट टेकन मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं इसकी शिक्षा पर हर रोज करता हूँ। द रोड नॉट टेकन, ये वह राह जिसे नहीं चुना गया। पीले जंगल में दो राहें बटती थी और अफसोस कि मुझे एक को चुनना था। मैं अकेला पथिक खड़ा रहा देर तक, यह देखते हुए कि यह कहाँ तक जाती है, झुरमुटों में मुड़ने से पहले। फिर मैंने दूसरी यह राह चुनी, उतनी ही सुंदर और शायद बेहतर थी, क्योंकि यहाँ घास ज़्यादा थी और कम लोग गुजरे थे। हालांकि लोगों के गुजरने से यहाँ भी उतना ही नुकसान हुआ था, और दोनों ही उस सुबह बराबर थी। पत्तियों पर काले कदम नहीं थे और मैंने पहले दिन अगले दिन के लिए रखा, पर मैं जानते हुए कि किस तरह रास्ते निकलते हैं, मुझे शक था कि मैं कभी लौटूंगा। मैं आह भरकर यह कहूँगा, आज से सदियों के बाद शायद एक जंगल में दो राहें बटती थी और मैंने कम चली हुई राह को चुना, और सारी बात का फर्क इसी से पड़ा। रॉबर्ट फ्रॉस्क, और इसी से सारा बात का फर्क पड़ा। बहुत समय गुजर चुका है, पर मैं अब भी अक्सर रॉबर्ट फ्रॉस्क की कविता का चिंतन करता रहता हूँ। पैसे के बारे में अपने पढ़े लिखे डैडी की सलाह और नजरिए को ना चुनने का मेरा फैसला दुखद था, परंतु यह एक ऐसा फैसला था जिसने मेरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। एक बार मैंने यह फैसला कर लिया कि मुझे किसकी बात सुननी है, तो उसके बाद मेरी धन संबंधी शिक्षा शुरू हो गई। मेरे अमीर डैडी ने मुझे 30 साल से भी ज़्यादा समय तक सिखाया, जब तक कि मेरी उम्र 39 साल नहीं हो गई। इसके बाद उन्होंने सिखाना बंद कर दिया। उन्होंने यह देख लिया था कि मैं यह अब समझ चुका हूँ और वो मेरी मोटी बुद्धि में भरने की कोशिश कर रहे थे। पैसा एक ताकत की तरह है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता जाता रहता है, परंतु अगर आप जानते हैं कि पैसा किस तरह काम करता है, तो आप ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। केवल सकारात्मक चिंतन से समस्या हल नहीं हो सकती, क्योंकि ज़्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वे यहाँ कभी नहीं सीख पाते कि पैसा किस तरह काम करता है, इसलिए वे पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं।
मेरी शिक्षा तब शुरू हुई थी जब मैं केवल 9 साल का था, और इसी कारण मेरे अमीर डैडी ने मुझे जो पाठ पढ़ाए थे वे बहुत आसान थे। और सारी बातों को छोड़कर विचार किया जाए तो उन्होंने मुझे 30 साल तक कुल 6 महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाए। यह पुस्तक उन्हीं 6 महत्वपूर्ण पाठों के बारे में है, और वे उतना ही आसान बनाने की कोशिश की गई है जितना कि मेरे अमीर डैडी ने उन्हें मेरे लिए आसान बनाया था। यह पाठ आपके लिए जवाब की तरह नहीं लिखे गए हैं, बल्कि एक मार्गदर्शक की तरह लिखे गए हैं। ऐसे मार्गदर्शक जो ज़्यादा अमीर बनने में आपकी और आपके बच्चों की मदद करेंगे, चाहे बदलती हुई इस अनिश्चित दुनिया में